नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आप लोगों की सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। दोस्तों, अगर आप लोग शुरुआत में ही पसीना बहाना शुरू कर देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम जो है आप लोगों को हड्डियों से रिलेटेड हो जाती है, मसल से रिलेटेड हो जाती है, मसल्स मास जो है वो बहुत जल्दी जो है वो कम होने लगता है। तो अगर आप लोग जो हैं पसीना बहाने से पहले कुछ वार्म अप कर लेते हैं तो आप लोगों की बहुत सारी मसल्स को आराम मिल जाता है और बहुत सारे फ़ायदे जो है आप लोगों को मिल जाते हैं। तो अगर हम लोग बात करें कि फ़ायदों की कि वार्मिंग के क्या फ़ायदे हैं, अगर आप लोग वार्म अप होते हैं तो आप लोगों की फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होने लगती है, मसल्स की फ्लैक्सिबिलिटी इंक्रीज़ होने लगती है, आप लोगों को रिस्क ऑफ इंजरीज जो हैं वो बहुत कम हो जाती हैं, ब्लड जो है फ्लो जो है और ऑक्सीजन का जो फ्लो है वो इंक्रीज़ होने लगता है, परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होने लगती है, बेटर रेंज ऑफ मोशन होने लगता है और लेस मसल्स टेंशन एंड पेन आप लोगों को होता है। तो अगर आप लोग पसीना बहाने से पहले थोड़ा सा वार्म अप कर लेते हैं तो उसके बहुत सारे फायदे आप लोगों ने देख लिए होंगे। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कौन कौन सी एक्सरसाइज हैं जो आप लोगों को वार्म अप देती हैं। सबसे पहली एक्सरसाइज की बात करें तो वो है आप लोगों को करनी है 1 मिनट मार्च, यानी कि आप लोगों को हमेशा ही थोड़ा सा मार्च जो है वो कर लेना चाहिए, यानी कि आप लोगों को घर पर ही जो है खड़े खड़े ही रनिंग करना है। इसमें आप लोग जो हैं किसी मशीन या ट्रेडमिल का भी सहारा ले सकते हैं, या अपने आसपास अगर आप लोगों के पास पार्क है तो उसका भी आप लोग सहारा ले सकते हैं। अगर आप लोगों के पास पार्क नहीं है तो आप लोग जो हैं घर पर ही खड़े खड़े जो हैं वो मार्च एक्सरसाइज कर सकते हैं, यानी कि आप लोगों को वार्म अप होना है, खड़े खड़े भी हो सकते हैं जिससे आप लोगों की ब्लड फ्लो जो है वो इंक्रीज होने लगे, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो इम्प्रूव होने लगे। तो ये आराम से करना है, इंजरीज नहीं लेना है। दूसरा है आप लोगों को करना है 1 मिनट लंग टैप। 1 मिनट लंग टैप का मतलब है कि आप लोग ये एक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है, क्योंकि जब आप लोग सुबह उठते हैं और आप लोग जो हैं तुरंत एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं तो उसके जो हैं थोड़े से नुकसान होते हैं, इसीलिए वार्म अप करना ज़रूरी है। और लंग टैप जो है ये किस प्रकार की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो आप लोगों के ऑब्लिक्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, और साथ ही आप लोगों के जो थाइज़ की जो मसल्स हैं जिसको हम लोग हेमस्ट्रिंग्स बोलते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो इसके बहुत सारे वेरिएशंस हैं, इसको आप लोग आजमा सकते हैं और वार्म अप जो है अपनी हड्डियों को दे सकते हैं, अपने मसल्स को दे सकते हैं। इसमें आप लोगों को जो है थोड़ा बहुत थकान होगी, लेकिन इससे आप लोगों का ब्लड सर्कुलेशन और मसल्स की जो फ्लैक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव होने में आप लोगों को बहुत अधिक मदद मिलेगा। लास्ट साथ ही आप लोग बच सकते हैं इंजरी से, इंजरी की जो रिस्क है उससे आप लोग बच सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जिसको आप लोगों को करना है। ये भी आप लोगों को 1 मिनट करना है और वार्म अप जो है वो आप लोगों को करना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं तीसरी एक्सरसाइज की, 1 मिनट साइड लंग। साइड लंग का मतलब जो होता है उसमें आप लोगों को स्क्वाट की तरह ही है, लेकिन आप लोगों को एक सिंगल पैर के ऊपर ही बैठना होता है। साइड लंग एक्सरसाइज जो है वो हेमस्ट्रिंग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस एक्सरसाइज से आप लोगों की जो नीज़ का जो मूवमेंट है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आप लोगों की नीज़ जो है उनके बीच में जो कार्टिलेज होते हैं वो ना घिसें या उन पर ज़्यादा जोर ना गिरे। जब आप लोग तुरंत स्टार्ट कर देते हैं किसी भी एक्सरसाइज को करना तो उन पर ज़्यादा जोर ना पड़े, इसीलिए जो है आप लोग साइड लंग का इस्तेमाल कर सकते हैं वार्म अप करने के लिए, ताकि बाद में आप लोग जो हैं HIIT ट्रेनिंग भी अगर करें तो उसमें आप लोगों को राहत मिल सके। नंबर 4 पर आती है 1 मिनट आर्म सर्किल। आप लोगों को 1 मिनट तक आर्म सर्किल जो है वो करना है, ताकि हाथों का मूवमेंट सही रह सके, हाथों में जो ऑक्सीजन है या हाथों का जो ब्लड सर्कुलेशन है वो ठीक रह सके और हाथों की जो मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो इम्प्रूव रह सके। तो आर्म सर्कल आप लोगों को करना ज़रूरी है अपने शोल्डर्स के लिए भी और साथ ही हाथों की मसल्स के लिए भी, ताकि बेटर रेंज ऑफ मोशंस जो है हाथों का बन सके, जॉइंट्स का बन सके और मूव जो है जो जॉइंट्स हैं वो आसानी से हो सके। तो ये आप लोगों के सामने दिखाया जा रहा है जिसमें आप लोग आर्म सर्कल कर सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की, ये भी आप लोगों को 1 मिनट करनी है, 1 मिनट वेस्ट सर्कल। आप लोगों को अपनी कमर को घुमाना है, एक सर्किल बनाना है, इससे आप लोगों की जो हिप्स की मसल्स हैं, या हम लोग कहें वेस्ट मसल्स हैं, या हम लोग कहें कि जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं या क्वाड्राइसेप्स जो मसल्स हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। तो 1 मिनट आप लोग वेस्ट सर्कल भी करें। अब है 1 मिनट टॉय टच। 6 एक्सरसाइज है 1 मिनट टॉय टच। 1 मिनट टॉय टच में आप लोगों को जो आराम मिलता है वो देखने को मिलेगा, कि आप लोगों का जो बैक पेन है उसमें अब आप लोगों को आराम मिलेगा। तो इसमें आप लोग जो हैं किसी दूसरे का सहारा नहीं ले, अगर लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं पीछे से प्रेस करने के लिए, ताकि
थोड़ा सा प्रेस आप लोगों को करवाना, इतना ज़्यादा आप लोगों को प्रेस नहीं करवाना है, जिससे क्या होगा कि बहुत बार ऐसा होता है जब आप लोग सुबह जगकर उठते हैं तो आप लोगों से मूवमेंट जो है वो बहुत कम होता है, क्योंकि आप लोगों का शरीर जो है वो जकड़ा हुआ रहता है, स्टिफनेस जो है आप लोगों के अंदर आई रहती है। तो उसमें आप लोगों को स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करनी, एक वार्म अप जो है आप लोगों को लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आप लोगों की मसल्स पर जोर ना गिरे और आप लोगों की मसल्स की कोई इंजरी ना हो या हड्डियों की से रिलेटेड कोई इंजरी ना हो। तो ये स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जिसको आप लोग टॉय टच बोल सकते हैं। आप लोगों को अपनी एड़ियों को या पैरों की उंगलियों को जो है वो छूना होता है, इससे आप लोग बैक पेन जो है वो रिमूव हो सकता है और साथ ही आप लोगों की मसल्स की जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो भी इम्प्रूव आप लोगों को देखने को मिलती है। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करें, 7 एक्सरसाइज, ये भी आप लोगों को एक मिनट करना है और ये फेमस एक्सरसाइज है स्क्वाट एक्सरसाइज। इसमें आप लोगों की जो थाइज की मसल्स है जिसको हम लोग हेमस्ट्रिंग मसल्स बोलते हैं या हम लोग कहें वार्म अप जो है वो स्क्वाट के बिना पूरा नहीं हो सकता। तो स्क्वाट जो है एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसका इस्तेमाल करने से आप लोगों की नीज की जो एक्सरसाइज है वो भी होती हैं और आप लोगों के पेट की एक्सरसाइज भी होती है और आप लोगों के जो लेग्स की एक्सरसाइज है उस वो भी कंप्लीट करती है। तो 1 मिनट का आप लोग जो हैं स्क्वाट करें ताकि आप लोगों को रिलीफ मिल सके एक ऑक्सीजन का फ्लो बनाने में। अब करना आप लोगों को 10 सेकंड तक नेक सर्किल, यानी कि आप लोगों को गर्दन को भी 10 सेकंड तक घुमाना है। तो 8वीं एक्सरसाइज है जो आप लोगों के सिर के लिए बेहतर है। तो आप लोगों की गर्दन में बहुत बार दर्द होता है या हम लोग पिलो जो है वो कभी लगाते हैं कभी नहीं लगाते हैं, तो उससे आप लोगों की जो नर्व है वो उनको राहत नहीं मिल पाती है। तो आप लोगों के सिर घुमाने से वो राहत नर्व्स को मिल पाती है। नंबर 9 पर आता है 1 मिनट लेग स्ट्रेच एक्सरसाइज। 1 मिनट लेग स्ट्रेच एक्सरसाइज का मतलब है जब हिप्स की मसल जो है वो जुड़ जाती हैं या हम लोग कहें थाइस की मसल जुड़ जाती हैं तो उनकी स्ट्रेच करना ज़रूरी होता है ताकि, और साथ ही पैरों का जो तलवा है उसकी भी स्ट्रेच करनी ज़रूरी होती है ताकि आप अगर रनिंग के लिए जा रहे हैं, जॉगिंग के लिए जा रहे हैं, नेक्स्ट मूव जो है वो हाई कर रहे हैं, तो आप लोगों को ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेग स्ट्रेच करना ज़रूरी है। ये एक्सरसाइज जो है आप लोगों की मसल्स को मजबूती देती है, उनको फ्लैक्सीबल बनाती है और साथ ही बहुत सारे इम्प्रूवमेंट आप लोगों के शरीर के अंदर करती है, जैसे कि फ्लैक्सीबिलिटी को इनक्रीज़ करना, ब्लड और ऑक्सीजन का फ्लो जो है वो इनक्रीज़ करना। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की और उसके बाद में मैं सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा जो आप लोग जानते हैं, 1 मिनट वेस्ट मूव। 1 मिनट वेस्ट मूव का जो है वो है आप लोगों को अपनी ऑब्लिक्स को टर्न करना है। अपनी ऑब्लिक्स को जो है वो टर्न करने से आप लोगों की जो पसलियां हैं उसमें आप लोगों को इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा और आप लोग जो भी एक्सरसाइज करेंगे गट से और एब्स से रिलेटेड उसमें आप लोगों को राहत देखने को मिलेगी। तो मैं सिर्फ आप लोगों से इतना ही चाहता हूं कि आप लोग जो हैं हेल्दी रहें और मेरी दुआ आप लोगों के लिए है कि आप लोग हमेशा हेल्दी रहें, आप लोगों को कोई रोग ना हो, तो उसके लिए एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, लेकिन मैं सही चाहूँगा कि आप फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज के लिए प्लीज़।